नमस्कार सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तहसील मुख्यालय बना थूकदान, सक्षम अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर तहसील लालगंज में तहसील परिसर के चारों तरफ तहसील के अंदर तथा बाहर पान तथा गुटखा खाकर लोगों के द्वारा मनमानी जगह पर थूक दिया जाता है। इस पर आज तक सक्षम अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि तहसील प्रांगण के अंदर तथा बाहर हर जगह धूम्रपान निषेध, यहाँ पर थूकना मना है का बोर्ड लगा हुआ है। फिर भी जनता एवं कर्मचारियों द्वारा मनमानी तरीके से जहाँ चाहे वहाँ थूक दिया जाता है। बोर्ड लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन था स्वच्छ भारत अभियान का, वह पूरी तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। जबकि तहसील के अंदर तथा बाहर दोनों जगह पर पूरा खिड़कियों के दीवारों पर तथा तहसील प्रांगण के अंदर बनी दीवारों पर थूक दे रहे हैं, जो कि CCTV कैमरा भी लगा है। इसके बावजूद जनता एवं अधिकारियों के अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है। सरकारी जगह को लोग गंदा कर रहे हैं। सत्यद्रा न्यूज़ से मिर्जापुर राहुल सोनी की रिपोर्ट। धन्यवाद। देखता हूँ यहाँ पे इस तहसील पे न्याय, जो न्याय की मंदिर है, इस जगह हम पहुँचे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग थूक रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे गंदगी है और बहुत ज्यादा जो कि प्रॉब्लम है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आप बताइए आपका शुभ नाम। हमारा नाम संदीप मौर्य है और मैं समाज सेवा के नाम से मशहूर हूँ जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लालगंज तहसील है, यहाँ पर देखिएगा, लोगों थोड़ा बदल कर दिखाइएगा कैमरा के माध्यम से, यहाँ पर थूकना मना है जी। ये अनपढ़ों के लिए हो सकता है एक गलती हो जाए। जहाँ पे दरअसल लिखा है थूकना मना है, मूतना मना है, दरअसल वहाँ पे पढ़े लिखे लोग थूक रहे हैं और मूत रहे हैं। बताइए तहसील की हालात है, जहाँ पे करोड़ों मंत्री जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया, ब्लॉक तहसील स्तर से शुरुआत हुई थी, गांव स्तर तक पहुंची, लेकिन दरअसल तहसील और ब्लॉक ऐसे दिखेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए आइए चैम्बर देखिए, अंदर जहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि थूकना मना है, फिर भी यहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, यहाँ पे थूक लोग रहे हैं, जनता बहुत थूक रही है। लेकिन यहाँ पे अब आके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। आइए आइए हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे लिखा है पुरुष शौचालय, आइए हम आपको दिखा रहे हैं पुरुष शौचालय पे ताला लगा हुआ है। ये पुरुष शौचालय है, यहाँ पे देखिए ताला लगा हुआ है, बंद हुआ है। और इसके बाद आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ चैम्बरों में, आपको मैं ले चल रहा हूँ, देखिए यहाँ स्टाफ रूम लिखा हुआ है EBM स्टाफ रूम, उसके अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ। वहाँ से नहीं, इस अंदर बहुत सारे, जैसे आप देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, जो हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद झाड़ू लगाते थे, यहाँ पे देखिए आपको देखिए स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। करोड़ों लाखों की रुपए की खर्च करके भारत सरकार यहाँ पे काम करती है। आप देखिए मैं आपसे मिलता हूँ, संदीप जी से मिलता हूँ, संदीप जी बताएंगे, संदीप जी बताइए इसके बारे में। बहुत बड़ी बात नहीं है, सामने कैमरा लगा है, अगर इसकी जांच की जाए तो थोड़े अनुमान सब कह सकता हूँ। यहाँ पे पब्लिक जो गलती कर रही है ऑलरेडी, देखिए स्वच्छ भारत में जितना पैसा बर्बाद हो रहा है, जनता का एक एक रुपया कहाँ का स्वच्छ भारत में, और प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू नहीं लगाया था, पूरे भारत के सारे व्यक्तियों ने झाड़ू लगाया था, लेकिन अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर इस झाड़ू का क्या फायदा। बहुत बहुत सही जवाब दिए संदीप जी ने। मैं आपको तहसील के ऊपर भी ऑफिस पे वहाँ भी आपको प्रांगण में मैं दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे जगह गंदगी मचाए हुए हैं लोग। संदीप जी ने अभी बताया कि आप देख रहे हैं सीसी कैमरा है, अगर जो यहाँ पे थूक रहा है आप सीसी कैमरा को अगर चेक कराएंगे तो बंदा पकड़ा जाएगा कौन यहाँ पे गंदगी कर रहा है। मैं सत्यता न्यूज रिपोर्टर सदर राहुल सोनी की खास खबर। यहाँ पे तहसील पे दूसरे फ्लोर पे दूसरे छत पे आपको चढ़ने से पहले सीढ़ी है, सीढ़ी में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है थूकना मना है, फिर भी यहाँ पे जाली पे लोग थूक रहे हैं। आगे मैं आपको मिला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है धूम्रपान के लिए मना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। संदीप जी बताएं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, जहाँ पे जो खिड़कियाँ लगी है गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई है, अभी थूकना मना नहीं, वहाँ लिखा गया थूकना मना है, यहाँ थूकना लिख मना गया, लेकिन फिर भी बार बार थूका क्यों जा रहा है। अभी और ऊपर आपको बोल रहा हूँ तहसील लालगंज दूसरे छत पे मैं आया हूँ, यहाँ पे लिखा है थूकना मना है, सेकंड फ्लोर पे थूकना मना है। फिर यहाँ पे देखिए कार्यालय है नायब नाजिर, और फिर आपको मैं आगे खिड़की पे देखिए यहाँ पे थूका गया है, आगे मैं देख रहा हूँ, आगे व्यवस्था, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इतना थूके हुए है, आगे आपको मिलता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये स्वच्छ भारत है, ये स्वच्छ भारत